तो की हाल चाल सत श्री अकाल। चलिए करते हैं आज की वीडियो के बारे में सीधी बात बिना किसी बकवास। सबसे पहली न्यूज है ऑडी Q7 के बारे में। आप लोगों को तो पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले किया की सेल्टोस के 2 टुकड़े हो गए थे। उसके बाद होंडा की सिविक की भी एक फोटो आई थी जिसमें उसके 2 टुकड़े हो गए थे। अब ऑडी की Q7 की भी एक फोटो आई है जिसमें गाड़ी के 2 टुकड़े हो गए हैं। ये तो कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है कि ये फोटो कहाँ की है, लेकिन इस फोटो से ये तो पता चल पा रहा है कि ऑडी Q7 2015 से 2017 के बीच की मॉडल रही है। आप लोगों को मैं बता दूं कि ऑडी की Q7 एक प्रीमियम SUV है जिसने NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग्स अचीव की थी। तो अब आप लोग देख ही सकते हैं कि 5-स्टार कार भी 2 टुकड़ों में बट गई। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्स गोरखा की स्पाई शॉट सामने आई है जिसमें इस गाड़ी को साफ देखा जा सकता है। इसके लोगों को तो कंपनी ने कवर कर रखा है, लेकिन देख के तो पता लग ही रहा है कि ये फोर्स की गोरखा है। फोर्स गोरखा 5-सीटर सेटअप और 4-सीटर कैप्टन सीट्स के साथ भी लॉन्च हो सकती है। टाटा की टिगोर EV ने भी ग्लोबल NCAP में 4-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग अचीव करी है। कंपनी ने इसको 11.99 लाख में लॉन्च किया था और इसमें 74 ब्रेक हॉर्स पावर की मोटर लगी है जो लगभग 170 NM टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसके 26 किलोवाट आवर की बैटरी पैक से इस गाड़ी को 302 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। टेस्ला को अपनी सभी 4 कारों को टेस्ट करने का अप्रूवल मिल गया है। पहले मॉडल 3 को टेस्ट कर रहे थे, अब मॉडल Y, मॉडल S और मॉडल X को भी टेस्ट की परमिशन मिल गई है। ट्राइम की स्पीड ट्विन इंडिया में 10.99 लाख की लॉन्च हुई है। इसमें न्यू ब्रेक्स, न्यू सस्पेंशन, न्यू टायर दिए हैं कंपनी ने। इसमें मिलेगा 1200 cc का इंजन जो लगभग 99 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा और 112 Nm की टॉर्क। रॉयल एनफील्ड की 650 क्रूजर को भी टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। इसको ट्रेडिशनल क्रूजर स्टाइल में ही बनाया जाएगा और इसमें 648 cc का इंजन मिलेगा जो लगभग 47 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा और 57 Nm की टॉर्क। इस गाड़ी में 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिलेगा और इसका जो प्राइस है वो 3.5 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपये के आसपास रहेगा।